मैं हूं आपके साथ श्रुति चांगरे। स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूक्रेन का खाखोवा का बांध टूटने से खरसोन में 30 से ज्यादा गांव और कस्बे बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें 20 यूक्रेन और 10 रूसी सेना के कब्जे में हैं। 2000 घर पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। 40,000 लोगों की जिंदगी खतरे में है। अभी तक पता नहीं चल पाया कि बांध पर हमला किसने किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर बांध तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। कनाडा की बॉर्डर सर्विस एजेंसी CBSA ने 700 भारतीय स्टूडेंट्स के लिए डिपोर्टेशन यानी देश से निकाले जाने का लेटर जारी कर दिया है। CBSA के मुताबिक इन स्टूडेंट्स के पास जाली एडमिशन लेटर्स हैं, जिसके जरिए इन्होंने कई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। द कैनेडियन प्रेस के मुताबिक कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने छात्रों को वापस भारत भेजने का फैसला किया है। वहीं रिपोर्ट किए जाने के डर से ये स्टूडेंट देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से भारत नेपाल सीमा पर विवादित सुस्ता का मुद्दा गरमाने लगा है। पहले से अस्पताल, स्कूल, पुलिस चौकी, मिलिट्री कैंप के बाद नेपाल ने गंडक पर झूला पुल का निर्माण भी शुरू कर दिया था। अब नेपाल विवादित सुस्ता में आर्म पुलिस फोर्स के लिए भवन, स्कूल और 8 कमरों का निर्माण कार्य भी भारत की बिना सहमति से कराना शुरू कर दिया है। अमेरिकी एयरफोर्स के एक पूर्व पायलट और इंटेलिजेंस अफसर ने दावा किया है कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन है। इतना ही नहीं, इस अफसर का दावा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास दूसरे ग्रह से जुड़ी बेहद खुफिया और अहम जानकारियां हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास उड़न तस्तरियों के पायलट्स की डेड बॉडीज और इन UFOs का मलबा मौजूद है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गुरुवार को सऊदी अरब पहुंचे। 3 दिन के इस विजिट के पहले फेज में ब्लिंकन ने सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। कनाडा के जंगलों में अब तक की सबसे भयानक आग लगी है। यहाँ करीब सभी 10 प्रांतों और शहरों में इसका असर देखा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अगस्त तक स्थिति और खराब होने की आशंका है। अब तक करीब 33,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जल चुका है। ये पिछले 10 सालों के औसत से 13 गुना ज्यादा है और बेल्जियम के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। इसकी वजह से 1,20,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। ईरान ने मंगलवार को 7 साल बाद सऊदी अरबी में अपनी एम्बेसी खोली। इसके साथ ही खाड़ी के 2 अहम देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते फिर से बहाल हो गए। इस मौके पर एम्बेसी कंपाउंड में सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें कई डिप्लोमेट्स शामिल हुए। ईरान के कंसुलर मामलों के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा, ये दिन ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों के लिए अहम है। हमें उम्मीद है कि इस क्षेत्र का स्थिरता और विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तारी खदीजा शाह के लिए अमेरिकी ने कंसुलर एक्सेस मांगा है। खदीजा के पास पाकिस्तान के अलावा अमेरिकी सिटीजनशिप भी है। तमाम मशक्कत के बाद खदीजा को 23 मई को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्हें बचाने के लिए सरकार और विपक्ष ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन फौजी ठिकानों पर हमलों की वजह से आर्मी चीफ ने कोई रियायत नहीं दी थी। इस दबाव के चलते खदीजा को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका जल्द ही कई स्पाइस सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है। वो इसके जरिए चीन और रूस के उन सैटेलाइट्स और स्पेस व्हीकल्स की निगरानी करेगा जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रही दूसरे ऑब्जेक्ट्स को नष्ट कर सकते हैं। यह सैटेलाइट्स धरती से करीब 35,400 किलोमीटर ऊपर स्थापित की जाएगी। इस नेटवर्क को सैटेलाइट्स बारकर नाम दिया गया है। एक रिसर्च में सामने आया कि 2023 तक आर्कटिक महासागर के ग्लेशियर पूरी तरह गायब हो सकते हैं, यानी 7 साल बाद गर्मियों में यहां बर्फ नजर नहीं आएगी। आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले 40 साल में गर्मी के बाद रहने वाली मल्टी लेयर बर्फ 70 लाख वर्ग किलोमीटर से घटकर 40 लाख वर्ग किलोमीटर रह गई है। अरब सागर से उठा बीपर जो है तूफान पाकिस्तान की ओर बढ़ चला है। समुद्र में जिस जगह यह तूफान पनपा उससे ठीक दक्षिण में मानसून अटका हुआ था, इसलिए अब मानसून के लिए रास्ता खुल गया है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून कल यानी 9 जून को केरल पहुंच सकता है। हालांकि यह पूरे 8 दिन लेट है, लेकिन अब इसकी रफ्तार बढ़ सकती है।
रूस के मकदान में फंसे भारतीय यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ शाकाहारियों को खाने के नाम पर सूप और रोटी दी गई, जहाँ सभी यात्रियों को जमीन पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस के मकदान में फंसे भारतीय यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की रिप्लेसमेंट फ्लाइट अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो चुकी है। ये भारतीय समय अनुसार गुरुवार दोपहर 12:45 पर सैन फ्रांसिस्को लैंड करेगी। एयर इंडिया ने बताया कि बोइंग 777-200LR एयरक्राफ्ट की फ्लाइट AI-173 में सभी 216 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर्स मौजूद है। मुंबई में श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है, जहां के मीरा रोड इलाके में एक 32 साल की महिला का उसके 56 साल के लिव इन पार्टनर ने मर्डर करके लाश को आरी से काटा। कुछ टुकड़ों को उसने कुकर में भी उबाला। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, इसके बाद आरोपी ने गुस्से में हत्या कर दी। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से 103 दिन बाद मुलाकात की। सीमा मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी से जूझ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी से मिलने के लिए 7 घंटे जमानत दी थी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक व विनेश फोगाट केस में नया मोड़ आ गया है। नबालिग पहलवान ने बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के बयान बदल दिए हैं। ऐसे में बृजभूषण के ऊपर लगा POCSO एक्ट हटा जाएगा। इसके बाद बृजभूषण पर लटक रही तुरंत गिरफ्तारी की तलवार हट गई है। बृजभूषण पर अब नाबालिग महिला पहलवानों के छेड़छाड़ के आरोप रह गए हैं, जिनमें तुरंत गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 13 साल के लड़के ने 12 साल के नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। घटना 3 जून को क्रिकेट खेलने के दौरान हुई थी। आरोपी लड़के ने बैट से नाबालिग के सिर पर हमला किया था। 5 जून को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। ओडिशा रेल हादसे को 120 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अभी भी 91 शव की पहचान नहीं हो पाई है। ऐसी ढेरों डेड बॉडीज हैं, जिन पर कई परिवार दावा कर रहे हैं। कई लोग हादसे के बाद लापता है, जिनके तलाश में उनके परिजन अस्पताल और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। मणिपुर में 3 मई से हो रही हिंसा को लेकर पहाड़ी और घाटी इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। बुधवार को एक ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन में सेना के जवानों और पुलिस बल ने 29 हथियार बरामद किए हैं। सेना के स्पीयर कोर विंग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बरामद हथियारों में ज्यादातर ऑटोमेटिक हथियार हैं, वहीं कुछ मोर्टार, हैंड ग्रेनेड और जंगी सामान भी बरामद किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट आज पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट से वानखेड़े की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की अपील की है। जांच एजेंसी का कहना है कि वानखेड़े के खिलाफ रिश्वतखोरी के बेहद गंभीर और संवेदनशील आरोप है, ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने की परमिशन दी जाए। हरियाणा के जींद में आज आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा के जरिए अपनी ताकत दिखाएंगी। तिरंगा यात्रा में करीब 1 किलोमीटर तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कार्यकर्ताओं के साथ पैदल सफर तय करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को रेपो रेट में इजाफा न करने का फैसला किया, यानी ब्याज दर 6.50% बनी रहेगी। लगातार दूसरी बार आरबीआई ने दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में लिए फैसलों की जानकारी दी। टेक जगत में एक बार फिर एप्पल के डिवाइस एप्पल विजन प्रो की चर्चा है। इसकी रिलीज का बहुत इंतजार हो रहा था। कंपनी के वार्षिक वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में रिलीज विजन प्रो हमारे अपने आसपास के संसार को देखने और उससे संवाद के तौर तरीके को पूरी तरह से बदल देने वाला है। देश के दिग्गज शेयर निवेशक राकेश झुनझुनवाला को निधन के 10 महीने बाद दुनिया का दूसरा सबसे सफल निवेशक बताया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 37 साल के करियर में उन्होंने सालाना औसतन 65% रिटर्न के साथ अपनी संपत्ति करीब 50,000 करोड़ तक पहुंचा दी। झुनझुनवाला ने 1985 में सिर्फ 5,000 रुपए से निवेश शुरू किया था। झुनझुनवाला निधन पिछले साल 14 अगस्त 2022 को कार्डियक अरेस्ट से हुआ था।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भिंड दौरे पर रहेंगे। वहीं सीएम के कार्यक्रम को लेकर एसपी ने बताया कि सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिले के पुलिस जवान और बाहर के भी पुलिस जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे, साथ ही ड्रोन के जरिए से भी निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री के दंदरौवा आगमन को लेकर महाराज जी ने की प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज के भीड़ दौरे को लेकर जानकारी दी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सीएम के दंदरौवा धाम में आने का कोई राजनीतिक कारण नहीं है। सीएम डॉक्टर हनुमान जी महाराज के दर्शन और पूजा अर्चना करने के उद्देश्य से आ रहे थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लाडली बहनों के हुए पंजीयन को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,25,00,000 लाडली बहनों के पंजीयन हुए हैं। 10 जून को सीएम शिवराज का एक क्लिक से बहनों के खातों में राशि अंतरित करेंगे। कांग्रेस के हिंदुत्व प्रेम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने व्यंग करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव में लाभ लेने के लिए ये सब करने का प्रयास करती है। मध्य प्रदेश में आप हनुमान चालीसा करते हैं और कर्नाटक के अंदर पीएफआई का समर्थन करते हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में जो बेरोजगार युवा परीक्षाओं की कर रहे हैं तैयारी, उन्हें सरकार दे रही है आर्थिक सहारा। ये सहारा उनके सपनों को पंख देगा, युवाओं की उम्मीदों को पूरा करेगा। इससे बेहतर और सुनहरे भविष्य के लिए पहली सीढ़ी चढ़ने का कठिन रास्ता होगा सुगम। बेहतर कल के लिए संघर्ष के रास्ते में सरकार ने थामे रखा है युवाओं का हाथ। बेरोजगारी भत्ता योजना छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी योजना जिसने शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देकर उनके संघर्ष की राह को आसान बनाया है। इस योजना ने युवाओं में नए ऊर्जा का संचार किया है। उन युवाओं में जिनमें हौसला है कुछ कर दिखाने का, जज्बा है दुनिया को मुट्ठी में भींच लेने का, जिनकी लहू में कौशल और नवाचार घुला है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गई है, जिसमें 18 से लेकर 35 वर्ष तक के पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को मिलेगा 2,500 रूपए हर माह भत्ता। और आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल देने जा रहे हैं इस योजना के लाभार्थियों को प्रथम माह की राशि। इस योजना के तहत राज्य के 33 जिलों के 66,265 पात्र बेरोजगारों को 2,500 रूपए प्रति लाभार्थी की दर से 16,65,62,500 रूपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हस्तांतरित की जा रही है। किसी भी स्कॉलर्स को अगर पढ़ना हो आगे तो वो एक मंथली फीस की तरह उनको काम आता है। ये सरकार की अच्छी पहल है, इसका अच्छा फायदा उठाना चाहिए युवाओं को। बहुत ही सराहनीय पहल है, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संघर्ष से शिखर तक हर कदम बार बार साथ खड़ी है युवाओं की छत्तीसगढ़ सरकार। बरसों पुरानी संस्कृति और परंपरा सहजी जाने लगी है। अब ऐतिहासिक धरोहरों को मिल रही है नई पहचान, तो जनजातीय कलाओं का दिखने लगा अद्भुत समागम। पारंपरिक त्योहारों के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश मिलने से छत्तीसगढ़ की अस्मिता को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया खेलकूद की रंगत भी बढ़ने लगी है। इससे छत्तीसगढ़ के वैभव की गूंज देश और दुनिया तक देखा जा रहा है। हरेली त्योहार को वास्तविक स्वरूप दिलाने के लिए राज्य सरकार ने शासकीय अवकाश की घोषणा की है। तीज त्योहार की रौनक भी लौट आई है। छुट्टी मिलने से
सुहागिन बहन बेटियों को त्योहार अब बेहतर तरीके से मनाने को मिल रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ की पावन धरती में समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को रूबरू करा रहा है। राजगीत बनने से छत्तीसगढ़ महतारी की गौरव गाथा को बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ी पर्व व त्योहार जनजातीय संस्कृति पारंपरिक खेल खुशहाली का नया दौर लेकर आया है। ऐसे समृद्ध छत्तीसगढ़ित को बढ़ावा देने वाले एकमात्र सूत्रधार हैं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, जिनकी बदौलत छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं का गौरव लौट आया है। राजनीति खेल है, शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री बुधवार को अल्प प्रवास पर गुना पहुंचे, जिसके बाद वो लगभग आधे घंटे तक हेलीपैड पर रहे। इस दौरान उन्होंने हेलीपैड पर पहुंचे श्रद्धालुओं से मुलाकात की, जहां आधे घंटे रुकने के बाद वो मंदसौर के लिए रवाना हो गए। राजधानी भोपाल में यादव समाज के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में रामस्वरूप यादव ने अध्यक्ष पद के लिए अपना पर्चा भरा है। वहीं रामस्वरूप यादव का कहना है कि हम समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में पंडित प्रदीप मिश्रा शिव पुराण का आयोजन होने जा रहा है। कथा का आयोजन को कैलाश विश्वास सारंग अपने माता पिता की स्मृति में करा रहे हैं। आपको बता दें कि भोपाल में पहली बार शिव पुराण का इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। 10 जून से 14 जून तक होने वाले इस आयोजन में लाखों की संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना है। दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बसपा के जिला महासचिव और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ग्वालियर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आसपास के गांव का उल्लेख किया है। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम बिजौली गांव की दलित महिला सरपंच और गांव की सुरक्षा को लेकर है। गुना में किसानों ने नानाखेड़ी मंडी गेट पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल नानाखेड़ी मंडी में फसल बेचने आए किसान और व्यापारी में फसल के भाव को लेकर विवाद हो गया। व्यापारी ने किसान पिता पुत्र के साथ मारपीट की, जिससे गुस्साए किसानों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पुलिस प्रशासन ने किसानों को व्यापारी पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में दोषी पाए गए शेर सिंह लोधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी और जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि निचली अदालत ने शेर सिंह लोधी को 4 साल की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि शेर सिंह लोधी ने अपनी जगह 2012 में आयोजित हुई पीएमटी परीक्षा में आशुतोष तिवारी नाम के सॉल्वर को बैठाया था। इसके एवज में सॉल्वर आशुतोष तिवारी को 4.5 लाख रुपए दिए गए थे। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बुधवार को भूपेश सरकार ने प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 23 आईएएस ऑफिसरों के तबादले कर दिए गए हैं। सीएमओ छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में तबादले की सूची जारी कर दी गई है। संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में शामिल होने दंतेवाड़ा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वरुण साव ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। झीरम कांड को लेकर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस और भूपेश सरकार नहीं चाहती है कि झीरम कांड के पीड़ितों को न्याय मिले, भाजपा ने तो सच लाने का पूरा प्रयास किया है। धान के समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा सामने आई है। आज घोषित किए गए अलग अलग फसलों के समर्थन मूल्य में धान का समर्थन मूल्य भी शामिल है, जिससे करीब ₹140 की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के बाद अब धान का समर्थन मूल्य 2040 से बढ़कर 2183 रुपए हो जाएगा। इस वृद्धि के साथ भाजपा इसे अपनी सफलता के रूप में बता रही है।
छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बहस गर्म है। इस बार वजह है शराबबंदी को लेकर सरकार का नया रुख। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी को लेकर फिर बयान दिया है। उनका कहना है कि शराबबंदी एकाएक नहीं की जा सकती और वह शराबबंदी के बजाय नशाबंदी के पक्ष में है। समाज में सभी तरीके के नशे को बंद करने की बात कहकर कांग्रेस ने शराबबंदी को लेकर पूछे जाने वाले भाजपा के सवाल का जवाब दिया, जिसको लेकर एक बार फिर से सियासी जंग तेज हो गई और शराबबंदी बनाम नशाबंदी पर कांग्रेस भाजपा सामने सामने है। पटवारियों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है, जहां राज्य सरकार ने पटवारियों की हड़ताल पर एस्मा लागू कर दिया है। इस संदर्भ में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 15 मई से पटवारियों की हड़ताल चल रही है। हड़ताल की वजह से राजस्व का काम बुरी तरह से प्रभावित है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन आज जांजगीर के दौरे पर रहे, जहां बीजेपी कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से संबोधित करते हुए प्रदेश की जनता का आभार जताया, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान विधायक सौरभ सिंह जी के नेतृत्व में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के 116 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्रवाई कर रही दुर्ग पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। सुपेला थाना पुलिस टीम ने दो बड़े चिटफंड कंपनी के एक डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भिलाई 3 का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी ने लोगों को कम से कम समय में जमा रकम पर अधिक से अधिक ब्याज देने का वादा करके रुपए ऐंठ लिए। बीजापुर के छुटवाई के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने माओवादी बटालियन की उपस्थिति की जानकारी मिलने पर कार्रवाई की है। मुठभेड़ में 2-3 माओवादियों की मारे जाने और घायल होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि सभी जवान सुरक्षित है और आसपास सर्चिंग अभियान जारी है। सरगुजा के मैनपर ब्लॉक के पथराई गांव में प्रस्तावित सीएमडीसी बॉक्साइट खदान के विरोध में श्रमिक हड़ताल कर रहे हैं। कई मांगों को लेकर श्रमिकों ने मैनपर के तहसीलदार समेत सीएमडीसी प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। श्रमिकों ने सीएमडीसी पर श्रमिक शोषण का आरोप लगाया है। श्रमिकों के आरोप प्रत्यारोप के बाद सीएमडीसी प्रबंधक कांवर साहब मीडिया के सवालों से मुंह छिपाकर भागते नजर आए। बेमेतरा में पड़की दी गांव में 6 दिनों पहले बिजली विभाग की लापरवाही से मौत हो गई थी। मामले में विद्युत विभाग के जेई और लाइनमैन के खिलाफ नवागढ़ थाना से अपराध दर्ज कर लिया गया है। धमतरी जिले में नौकरी लगाने के नाम पर करीब 6 लाख रुपए का ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत के बाद सिहावा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सिहावा में रहने वाले युवक को पशु चिकित्सा विभाग बिलासपुर में सहायक ग्रेड 3 की नौकरी दिलाने के नाम पर 1 साल पहले झांसा दिया गया। ठगी करने वाले युवक बालोद और दुर्ग के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दुर्ग जिले की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे शिवनाथ नदी मुक्ति धाम के निरीक्षण के लिए पहुंची। इस दौरान सरोज पांडे ने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई और एम्स हॉस्पिटल को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, आईआईटी को प्रधानमंत्री मोदी की देन बताया। सांसद ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तो जवाब मांगना शुरू किया है और इतनी तिलमिलाहट क्यों है। मनेन्द्रगढ़ में जनदर्शन में एक परिवार न्याय नहीं मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर पहुंचा। आपको बता दें कि नगर पंचायत नई लेदरी में परिवार पिछले 22 सालों से पोल्ट्री फार्म चलाता है, जिसे प्रशासन ने 7 दिनों के अंदर बंद करने के निर्देश दिए थे। साथ ही पिछले 3 सालों से पार्षद विजय चौटाल और उसके साथी मिलकर पोल्ट्री फार्म बंद करने की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर कुर्बान अली ने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में पहली बार वन विभाग ने एलिफेंट अलर्ट ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप जनहानि रोकने के साथ जानवरों की सुरक्षा पर भी काम करेगा। सीता नदी अभ्यारण्य के मेचका गांव में कार्यक्रम आयोजित कर सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव और डीएफओ वरुण जैन ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। आपको बता दें कि यह ऐप 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हाथी या उसके झुंड आने पर मोबाइल से मैसेज भेज देगा। लियोनल मेसी अमेरिका की फुटबॉल लीग मेजर लीग सॉकर की टीम इंटर मियामी में शामिल हो सकते हैं। मेसी का अनुबंध फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ 30 जून को खत्म हो जाएगा। मेसी ने शनिवार को लीग वन में क्लेरमोंट फुटबॉल क्लब के खिलाफ पीएसजी के लिए अपना आखिरी मैच खेला।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में खेला जा रहा है। लंदन के द ओवल मैदान पर पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी चुनी। ऑस्ट्रेलिया स्टंप्स तक मजबूत स्थिति में है। टीम ने 3 विकेट पर 327 रन बना लिया है। ड्रीम 11, बेटवे, मई 11 सर्कल जैसे तमाम प्लेटफॉर्म पर रियल खिलाड़ियों के साथ वर्चुअल टीम बनवाकर खेलने का क्रेज बढ़ा है। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट फैंटेसी स्पोर्ट्स के बाजार और बढ़ा रहे हैं। महानगरों की ही नहीं छोटे शहरों और कस्बों में भी युवा फैंटेसी स्पोर्ट्स के दीवाने होते नजर आ रहे हैं। इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स फेडरेशन के महानिदेशक जॉय भट्टाचार्य कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए यह सोने के चिड़िया जैसा है।